सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 2006, 2007, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, तो इन सभी साल में ये आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कौन सा है और इसका उत्तर क्या होगा, सारी चीजें मैंने इसी वीडियो में लिखी हुई है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है और उसका आपको आंसर भी साथ ही बताएंगे, ताकि आपको दोनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, वनों के किन्हीं चार लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वनों के किन्हीं चार लाभों का हमें वर्णन यहाँ पर करना है, तो आइए हम इसको करते हैं। इसका आपको आंसर बताते हैं कि यहाँ पर क्या आप लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा रहेगा कहीं भी कि वनों के किन्हीं चार लाभों का वर्णन कीजिए, तो हमें इनके चार लाभों का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर इनसे प्रत्यक्ष लाभ हमें होता क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो लाभ है, ऑक्सीजन की पूर्ति। अब देखिए वनों से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, किस प्रकार, देखिए वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आपको पता है कि आपको वन या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो इसी के कारण हम जीवित रह पाते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए, अगर आप सांस ज्यादा देर तक आप रोके रहेंगे तब आप जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर तक कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे 2 से 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक सकता अपनी सांस। तो इसीलिए देखिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो इसी वजह से ये हो गया ऑक्सीजन की पूर्ति। उसके बाद देखिए सेकंड आता है, घरेलू उपयोगों उपयोग की वस्तुएं। देखिए घरेलू उपयोग की वस्तुओं की प्राप्ति, देखिए वन यहां पर वनों से घरेलू उपयोग के लिए चारा, देखिए वन जो होते हैं वहां से घरेलू उपयोग के लिए चारा आता है। ईंधन हेतु लकड़ी, देखिए ईंधन हेतु लकड़ी, देखिए बहुत जगह गांव में देखिए घर में यहाँ पर लकड़ी से खाना बनता है, तो वहां पर ये ईंधन काम आएगा लकड़ी। तो देखिए लकड़ी जब लगाते हैं चूल्हे में तभी आग जलती है, तो आग जलाकर देखिए ईंधन के रूप में लकड़ी यूज की जाती है, और बहुत सारी चीजें फर्नीचर में लकड़ी यूज की जाती है या फिर अन्य किसी चीज में। और यहाँ पर देखिए और क्या है, वन्य जीवों आवास प्राप्त होता है, वन्य जीवों को आवास प्राप्त होता है। अब कैसे आवास प्राप्त होता है, जैसे देखिए जो कि जीव जंतु हैं, जैसे कि देखिए वन में रहने वाले जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, हाथी हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, तो ये सब जो हैं, ये सब आपको पता है कि ये सभी जंगल में रहते हैं। तो अगर जंगल कट जाएगा, वन कट जाएंगे, तो ये सब आ जाएंगे घर में, तब ये सही नहीं रहेगा। तो जंगल में रहते हैं वहां पर इनको उनके अनुसार सभी वातावरण या फिर उनके अनुसार जो भी चीजें रहती है वहां पर उनको प्राप्त होती रहती है, तो इनसे हो गया इनके घर को आवास मिलता है, मतलब जीवों को आवास प्राप्त होता है। तो ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड। तो देखिए थर्ड क्या होगा यहाँ पर, देखिए थर्ड है उद्योगों हेतु कच्चा माल, उद्योगों हेतु कच्चा माल। तो देखिए यहाँ पर पहला है वनों से रबड़ खेल उपकरण, देखिए उद्योगों के होते कच्चा माल, तो देखिए वन जो होते हैं उनसे रबड़ या फिर खेल उपकरण प्राप्त होता है, कागज माचिस आदि उद्योगों हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर उद्योग हेतु कच्चा माल मतलब वनों से रबड़ प्राप्त होता है हमें, खेल हेतु उपकरण प्राप्त होते हैं, वहां से कागज भी प्राप्त होता है, माचिस आदि इन सभी उद्योगों हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है। वैसा तुरंत नहीं, जैसे देखिए रबड़ आता है तो उसको भी मतलब कुछ फिल्टर रहता है तो उसमें किया जाता है, उसके बाद कागज माचिस तो इन सभी को बनाया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर कच्चा माल आता है। अब देखिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट, औषधियों की आपूर्ति। देखिए औषधियों की आपूर्ति, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, और आपको फ्रेंड्स बता दूं कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर औषधियों की आपूर्ति, वनों से हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक औषधियां प्राप्त होती हैं, जो वन होते हैं उनसे हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं, जिनसे अनेक रोगों का उपचार किया जाता है, जिससे अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। तो ये हो गया औषधियों की आपूर्ति भी हमें वन से हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने चार आपको इनके लाभों का वर्णन कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आया है, अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसी तरह से क्वेश्चन रहे, क्योंकि किसी भी सन में सिर्फ 2-3 ही मतलब यहाँ पर समझिए 4-5 साल में ये क्वेश्चन इस तरह रिपीट हुआ है, या
फिर ऐसा पूछ सकता है कि वनों के लाभों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर चार ना लिखे रहे, या फिर पूछ लिया कि वनों से हमें क्या क्या लाभ है, तो वन से हमें क्या फायदा होता है, तो ये सब अगर पूछ ले फिर भी आपको यही लिखना है। इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया 2006 में आया, 7 में आया, 9 में, तो यही नहीं रह सकता है क्वेश्चन, ये थोड़ा बहुत बदल देगा बट आपको लिखना यही रहेगा। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, आप इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास ताकि वो भी जान पाए कि इस बार एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्वेश्चन आएंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।